माननीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जिम्मेदार बनिए और जिम्मेदार बनाइए से शुरू कर रहा हूं। समग्र राज्य में लॉकडाउन या स्थानिक तंत्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का पालन करवाने के लिए पुलिस द्वारा वॉच रखा जा रहा है और जहां भी नियमों का उल्लंघन होता है वहां कानूनन कार्रवाई की जा रही है। अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य पर जोखिम उपस्थित हो ऐसी कोई प्रवृत्ति अभी भी ध्यान पे आ रही है जिसमें बिना कारण लोगों का इकट्ठा होना, प्रतिबंधित वस्तुओं का बिक्री करना, अनावश्यक बाहर निकलना इत्यादि शामिल हैं। जिन लोगों के वाहन लॉकडाउन के पहले डिटेन हो चुके थे ऐसे लोग बिना कोई योग्य कारण घूमते पाए जाने पर उन लोगों के वाहनों को डिटेन करने की सख्त कार्रवाई की जा रही है। टू व्हीलर वाहन पर एक से ज्यादा और फोर व्हीलर वाहन में दो से ज्यादा लोग पाए जाने पर पुलिस कार्रवाई हो रही है। धार्मिक स्थानों पे न जाने की सूचना के बावजूद धार्मिक स्थानों पर लोगों के इकट्ठे होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कल अहमदाबाद शहर के साबरमती पुलिस स्टेशन विस्तार में एक मंदिर में आरती के लिए लोग इकट्ठा हुए और ये घटना सामने आने पर मंदिर के पुजारी सहित आठ लोगों के विरुद्ध गुनाह दर्ज किया गया है। लॉकडाउन से जिन्हें मुक्ति दी गई है वो लोग इस मुक्ति का दुरुपयोग ना करें उस पर भी पुलिस नजर रखे हुए है। लॉकडाउन से मुक्ति दिए गए सारे पास और परमिट की पुलिस चेकिंग भी कर रही है और इसके दुरुपयोग पाए जाने पर गुनाह भी दर्ज किए जा रहे हैं। आनंद जिले के उमरेठ में एक मालवाहक कंटेनर से मेडिकल सप्लाई की आर में 105 श्रमिकों को राजकोट से अन्य राज्य में भेजने की जानकारी मिलने पर इसको डिटेन किया गया है और इस घटना में ड्राइवर और मालिक के ऊपर गुनाह दर्ज किया गया है। श्रमिकों को अपने वतन भेजने के लिए सरकार के द्वारा ट्रेन और बस के द्वारा व्यवस्था की जा रही है, इसलिए सभी से अपील है कि इन सुविधाओं का लाभ लें और गैरकानूनी सफर ना करें। स्टेट मॉनिटरिंग सेल के द्वारा कल इमरजेंसी सर्विसेज के नकली पास की आड़ में गुजरात में लाई जा रही 51 लाख रुपए की शराब भी पकड़ी गई है। कुछ इलाकों में लॉकडाउन में आंशिक छूटछाट भी दी जा रही है। अहमदाबाद शहर में सब्जी और राशन की दुकान कल खुलेगी, इसलिए कंटेनमेंट एरिया और उसके अलावा के विस्तारों में दुकानें खोलने की गाइडलाइन म्युनिसिपल कमीशन के द्वारा दी जा रही है। इन तमाम छूट के बावजूद संक्रमण से बचने के लिए सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है, इसलिए सभी जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और मास्क और हैंड सैनिटाइजर का जरूर उपयोग करते रहें। कल डिटेन किए गए वाहनों में से राज्य में कुल 5,672 वाहन मुक्त किए गए हैं। अब तक कुल 2,34,692 वाहन मुक्त किए जा चुके हैं। सोसाइटी में लगे सीसीटीवी भी चेक किए जा रहे हैं, जिस आधार पर राज्य में अब तक 708 गुना में 978 लोगों की को हिरासत में लिया गया है। लॉकडाउन के अमल पर पुलिस के द्वारा निरंतर ड्रोन, सीसीटीवी और एएनपीआर के माध्यम से नजर रखी जा रही है। राज्य में कल ड्रोन फुटेज की मदद से कुल 204 गुना दर्ज किए गए हैं। अब तक ऐसे कुल 12,840 गुना दर्ज करके 23,272 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कल कुल 100 गुना दर्ज करके 101 लोगों को
हिरासत में लिया गया है। समग्र राज्य में ऐसे कुल 3,311 गुना दर्ज हुए हैं। अब तक ऐसे गुना में कुल 4,453 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के आधार पर गलत खबर या अफवाह फैलाने के अब तक कुल 789 गुना में कुल 1,618 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कल सोशल मीडिया द्वारा अफवाह फैलाने के मामले में अब तक कुल 744 अकाउंट पुलिस के द्वारा बंद किए गए हैं। एएनपीआर, वीडियोग्राफर, पीसीआर और प्रहरी जैसे खास वाहनों पर लगे कैमरों की मदद से कल 305 और अब तक ऐसे कुल 6,823 गुना दर्ज हुए हैं।